केस कुक हाउस में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन बटर मसाला, पर कुछ नए जायके के साथ। इसके लिए हमें चाहिए चिकन विथ बोन 2 kg, प्याज स्लाइस किया हुआ 1 kg, दही 1 कप, काजू 12 से 13 जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है, लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून, अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून, रिफाइंड ऑयल 2/3 कप, हरी मिर्च 8 से 10, जीरा पाउडर 3 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 2.5 टेबल स्पून, गरम मसाला 3 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार, टोमेटो केचप 4 टेबल स्पून, चिल्ली सॉस 2 टेबल स्पून, सोया सॉस 3 टेबल स्पून और बटर 50 ग्राम। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। उसमें डालेंगे दही, 2 टेबल स्पून टोमेटो केचप, और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसके बाद इसे 20 मिनट मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। हम एक पैन में तेल गरम करेंगे, इसमें डालेंगे हरी मिर्च, और प्याज, प्याज को थोड़ी देर फ्राई करेंगे। और ढककर पकने देंगे। थोड़ी देर बाद इसमें डालेंगे नमक और वापस ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। हमें प्याज को ब्राउन नहीं करना है, बस इसे सॉफ्ट होने तक पका लेना है। प्याज पकने के बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और जब तक अदरक लहसुन का कच्चापन न निकल जाए तब तक फ्राई करेंगे। अब इसमें डालेंगे सारे मसाले और मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। थोड़ी देर ढक देंगे ताकि मसाले अच्छे से पक जाए। हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है और ये तेल अच्छे से छोड़ रहा है। अब हम डालेंगे चिकन, जिसे हमने मैरिनेट होने के लिए रखा था, और चिकन को अच्छी तरह मसालों के साथ भून लेंगे। पैन को कवर करके चिकन को 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। ये देखिए, हमारा चिकन आधा पक चुका है। अब इसमें डालेंगे टोमेटो केचप, सोया सॉस,
चिल्ली सॉस और अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद मुझे इसमें सोया सॉस कम लग रहा है तो एक टेबल स्पून मैंने और डाला है। इसके बाद इसमें डालेंगे काजू का पेस्ट और अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे। काजू डालने के बाद ग्रेवी थिक हो जाता है तो आप इसे लगातार चलाते रहें ताकि ये जले ना। इसे मैंने बिना ढके 15 से 20 मिनट पकने दिया है। आप चाहें तो ढककर भी पका सकते हैं। हमारा चिकन करीब करीब पक चुका है। अब इसमें डालेंगे बटर। इसके बाद आपको जितनी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से पानी डालें। मैं आधा कप पानी डाल रही हूँ। इसे थोड़ी देर ढककर पकने देंगे। हमारा चिकन तैयार है। हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। मेरे बच्चों को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आप सबको कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करें।